ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में हम पाठ्यक्रम के सोपान पढ़ रहे थे। पाठ्यक्रम के सोपान में विषय वस्तु के गठन के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो ऐसी ध्यान रखने योग्य बातों का भी अध्ययन हमने कर लिया था। इसके बाद अधिगम अनुभवों का भी चयन करना चाहिए पाठ्यक्रम के सोपान में। पाठ्यक्रम निर्माण को सोपान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में विषय वस्तु के गठन के बाद हमें अभिगम अनुभवों का चयन भी किस प्रकार से करना चाहिए इसका अध्ययन कर लेते हैं। हालांकि अधिगम अनुभवों के चयन से संबंधित भी कुछ बातें मैंने बता दी थी। अधिगम अनुभवों का चयन जैसे पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में छात्र किस तरह से ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो उस ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में अधिगम के अनुभवों का भी विशेष योगदान रहता है। अधिगम के अनुभवों से तात्पर्य क्या है? अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र जो भी अनुभव अर्जित करते हैं वह सब किस में आ जाते हैं? अधिगम अनुभवों में। क्योंकि अधिगम से अर्थ ही क्या है, एक तरह से कि जो बालक सीख रहे हैं, जो व्यवहारगत परिवर्तन उनमें आ रहा है वही क्या है? सीखना व्यवहारगत परिवर्तन होना ही क्या है? अधिगम है। तो व्यवहारगत परिवर्तन के दौरान, उस अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है वह ज्ञान अर्जन ही क्या है? उनके अनुभवों से संबंधित है। तो इस तरह से ज्ञान अर्जन की उनकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से ज्ञान को अर्जित करेंगे, किस प्रकार का ज्ञान का अर्जन उन्हें करवाया जाना है, इस तरह के अधिगम अनुभवों का चयन करना भी पाठ्यक्रम के सोपान के अंतर्गत आता है। पाठ्यक्रम सोपान के अंतर्गत अधिगम अनुभवों के चयन को भी इसी कारण से सम्मिलित किया गया है। यह अनुदेश पारंपरिक तरीकों के साथ ही साथ प्रामाणिक अधिगम को भी सम्मिलित कर लेता है और छात्रों को विषय वस्तु में व्यस्त रखने के लिए और नए कौशलों में उन्हें रिपूर्ण करने के लिए, अभ्यस्त करने के लिए मार्गदर्शन में सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम कार्य भी पाठ्यक्रम द्वारा ही किया जाता है। अब अधिगम जो अनुभव है उसके अंतर्गत भी कुछ शिक्षण विधियां हैं, उन्हें प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हमारी व्याख्यान विधि है, कुछ विधियों के नाम लिख देती हूँ मैं। हालांकि अधिगम अनुभव में विषयों के अनुसार, प्रकरण के अनुसार कहाँ कौन से शिक्षण विधि का उपयुक्त रूप से प्रयोग किया जाना है, कौन से शिक्षण विधियों के प्रयोग के माध्यम से जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या जो विषय वस्तु बालकों तक संप्रेषित की जा रही है उसका अधिगम बालक और अधिक से अधिक कर सकेंगे, तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षण विधियों का चयन भी किया जाता है। तो अधिगम अनुभवों के चयन में शिक्षण विधियों का भी ध्यान रखा जाता है। जो शिक्षण विधियां हैं जैसे कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, योजना विधि, बहुत सारी विधियां हैं, परिचर्या विधि, निर्देशन विधि,
इसके अलावा भी और भी जो विधियां हमें ध्यान में आती जाए हम उन्हें लिख सकते हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि भी है क्योंकि अधिगम अनुभवों के चयन में वो भी किसी न किसी प्रकार की भूमिका निभाती है। इसी तरह से पर्यवेक्षित शिक्षण विधि है, खेल विधि है, तो बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हैं वो किसी न किसी प्रकार से अधिगम अनुभवों के चयन में सहायक होती है। तो इस तरह से शिक्षण विधियों को भी अधिगम अनुभवों के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह से अधिगम की कई प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से भी अधिगम अनुभवों को तरह से प्रोत्साहित किया जाता है, अर्थात ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे क्षेत्र पर्यटन, फिल्म देखना, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे क्षेत्र पर्यटन, फिल्म देखना, और कहीं प्रयोग करना, इन सबके माध्यम से भी अधिगम अनुभवों का चयन किया जाता है। नियत कार्य करना, परिचर्चाओं में जैसे भाग लेना, उनसे भी किसी न किसी प्रकार के ज्ञान अर्जन का कार्य संभव हो पाता है। इसीलिए ये कहा जाता है, बताया जाता है कि जैसे जो शिक्षण की समस्त क्रियाएं होती हैं वो अधिगम की प्रक्रियाओं से संबंधित होती हैं, या कहें ये दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं। एक ही के बिना, जैसे दूसरी प्रक्रिया है, जैसे शिक्षण के बिना अधिगम और अधिगम के बिना शिक्षण, दोनों का ही कोई अस्तित्व जैसे नहीं होता है, दोनों एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं, एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं। ठीक इसी प्रकार अधिगम अनुभव और विषय वस्तु, अधिगम अनुभव और विषय वस्तु, जो भी बालकों को ज्ञान दिया जा रहा है, जो भी प्रकरण है, जो भी विषय वस्तु है, ये दोनों भी आपस में परस्पर सह संबंधित होती है। विषय वस्तु और अधिगम अनुभव, ये दोनों प्रक्रियाएं भी आपस में एक दूसरे की पूरक होती हैं, जैसे कि शिक्षण और अधिगम आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। कि किसी तरह से अब पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में अधिगम अनुभवों का चयन हमने पढ़ लिया है। अगला सोपान हम पढ़ते हैं संसाधनों की पहचान। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता भी होती है। तो किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारे पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया है वह ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से पूर्ण हो सके। पाठ्यक्रम निर्माण तो किया ही जाता है, लेकिन हम यहाँ पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के उन सोपानों का अध्ययन कर रहे हैं जिनसे पाठ्यक्रम इस तरह का बनाया जा रहा है या इस तरह का बनाया जाना चाहिए जो शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध हो सके। तो इसी दृष्टि से पाठ्यक्रम निर्माण के जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है इस प्रकार के पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए कि जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, छात्रों को भावी जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके, इस तरह के पाठ्यक्रम निर्माण के लिए इसी प्रकार के संसाधनों की पहचान करना भी आवश्यक होता है। इन संसाधनों के अभाव में यदि हम पाठ्यचर्या निर्माण के कार्य की बात करें तो यह पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि अत्यंत जटिल हो जाएगा यदि हम संसाधनों को ठीक प्रकार से उपयोग में नहीं लेंगे। तो इससे पहले जो भी पाठ्यक्रम निर्माण करता है
पाठ्यक्रम में प्रयुक्त संसाधनों का उन्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार के संसाधनों के प्रयोग के द्वारा जिस पाठ्यक्रम की प्रक्रिया को हम तैयार कर रहे हैं, जिस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण हम कर रहे हैं, जिस तरह के पाठ्यक्रम के निर्माण के उद्देश्यों की प्राप्ति हमें करनी है, इस तरह के ऐसे कौन से संसाधन हो सकते हैं, तो इस प्रकार के संसाधनों का पूर्ण ज्ञान पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता को होना चाहिए और तभी हम ये कह सकते हैं कि वह इन संसाधनों की भली भांति ठीक प्रकार से उनकी पहचान करके उनका उचित उपयोग कर सकता है और इस प्रकार ठीक प्रकार से उचित उपयोग के द्वारा ही सही पाठ्यक्रम का निर्माण संभव हो सकता है। इसी तरह से जैसे अभी इससे पहले हमने अधिगम अनुभवों के चयन में शिक्षण विधियों की बात की थी, तो इसी तरह से जैसे संसाधनों की पहचान, अधिगम अनुभवों का चयन करना, विषय वस्तु का गठन किस तरह से करना है, इसी तरह से शिक्षण विधियों का चयन भी किया जाए या शिक्षण विधियों का निर्धारण भी प्रारंभ से ही किया जाए कि किस तरह की शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों की अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, तो पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता को जय छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण विधियों के निर्धारण का कार्य भी प्रारंभिक रूप से ही करना होता है। तो अगला जो पाठ्यक्रम निर्माण का सोपान है वो क्या रहेगा, शिक्षण विधियों की पहचान करना या शिक्षण विधियों का निर्धारण। शिक्षण विधियों का निर्धारण, जैसा कि अधिगम अनुभवों के चयन के समय भी मैंने अभी बताया था कि किस तरह से छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर या किसी प्रकरण को ध्यान में रखकर जो विषय वस्तु बालकों को पढ़ाई जा रही है उसके अनुसार किस तरह की शिक्षण विधियों के माध्यम से उस विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित किया जा सकता है, तो इसी आधार पर शिक्षण विधियों का निर्धारण भी किया जाता है। तो पाठ्यक्रम जो निर्माण करता है, जो पाठ्यक्रम निर्माण करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को किन शिक्षण विधियों के माध्यम से भली भांति बालकों तक संप्रेषित किया जा सकता है, इसीलिए बात को आधार में लेकर उन शिक्षण विधियों का निर्धारण भी प्रारंभ से ही किया जाता है, क्योंकि पाठ्यचर्या है या कहीं की पाठ्यक्रम है वह सदैव एक जैसा नहीं रहता, समय के अनुसार, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, कभी उसमें राजनीतिक आवश्यकताएं आधारित हो जाती हैं, कभी सामाजिक आवश्यकताएं आधारित हो जाती हैं, कभी छात्र की अपनी आवश्यकताएं या रुचियां होती हैं जिनके उनकी पूर्ति को ध्यान में रखकर भी पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षण विधियों का चयन पाठ्यचर्या की संरचना एवं विषय वस्तु के अनुसार ही किया जाना चाहिए। शिक्षण विधियां ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से शिक्षक व छात्रों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, क्योंकि शिक्षण विधियों के माध्यम से ही जो शिक्षक है वह छात्रों तक जो भी विषय वस्तु है या जो भी ज्ञान है उसे शिक्षण विधियों के माध्यम से ही संप्रेषित करता है। तो एक आधार क्या है, शिक्षण विधि शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध स्थापित करने का या कहें कि अंतर क्रिया स्थापित करने का मुख्य आधार भी शिक्षण विधियां ही होती है, जिसमें शिक्षक छात्र की क्षमताएं, उसकी आवश्यकताएं, उनकी रुचियां हैं, उनकी योग्यताएं हैं, किस प्रकार से
छात्र किस प्रक्रिया के द्वारा, कौन से शिक्षण विधि के द्वारा ठीक प्रकार से सीख सकते हैं, इसका ज्ञान भी वह शिक्षण विधियों के दौरान कर लेता है, समझ पाता है। शिक्षण विधियों के द्वारा जो भी प्राप्त उसे सूचनाएं होती हैं, उन्हीं सूचनाओं के आधार पर जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यचर्या है, उसमें और भी सुधार की जो अपेक्षा होती है, जो अपेक्षित सुधार होता है, वह कर लिया जाता है। जैसे छात्रों के स्तर, योग्यता, क्षमता, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हालांकि पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया इसी आधार को लेकर की जाती है, लेकिन शिक्षण विधियों के निर्धारण के समय भी मानो किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, बालक किस तरह से विषय वस्तु को ग्रहण कर पाते हैं, उस आधार को ध्यान में रखते हुए भी पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन अपेक्षित होता है, उस प्रकार के परिवर्तनों को भी अपनाया जाता है। पाठ्यचर्या की तरह शिक्षण विधियों को भी समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित करते रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही एक तरह से समाज का या प्रकृति का नियम है, तो उस परिवर्तन की प्रकृति के अनुसार ही पाठ्यक्रम की जो शिक्षण विधियां हैं उनमें भी आवश्यक रूप से जो परिवर्तन अपेक्षित हैं वो परिवर्तन करते रहना चाहिए। शिक्षण विधियों का चयन करते समय भी हमें कुछ निम्न बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे शिक्षण विधियां हैं वो विषय से संबंधित होनी चाहिए, उनका निर्धारण करते समय जिन बातों का हमें ध्यान रखना है, जैसे एक शिक्षण विधियां विषय से संबंधित होनी चाहिए, विषय से संबंधित होने के साथ साथ उनके जैसे जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं, तो जो भी पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के उद्देश्य हमने जो निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों के अनुसार ही शिक्षण विधियों का चयन किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या के उद्देश्यों पाठ्यचर्या के उद्देश्यों के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का चयन किया जाना चाहिए। इसी तरह से शिक्षण विधियां जो भी छात्र हैं उनके अधिगम स्तर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। चयन शिक्षण विधियों के चयन के समय और शिक्षक की योग्यता का भी उसमें, जैसे शिक्षक शिक्षण विधियों को अपना रहा है तो इससे पहले ये आवश्यक हो जाता है कि जिस शिक्षण विधि का उपयोग वह कर रहा है, क्या उस शिक्षण विधि से संबंधित पूर्ण ज्ञान शिक्षक को है, या शिक्षक उस शिक्षण विधि के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को भली भांति छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, छात्र भली भांति ठीक प्रकार से उस विषय वस्तु के ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। तो इस तरह की समस्त बातों का ध्यान रखते हुए शिक्षक को भी अपनी योग्यता पर एक तरह से योग्यता का ध्यान रखते हुए उसे शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए कि छात्रों के अधिगम स्तर और एक तरह से शिक्षक की जो योग्यता है उसके अनुसार ही शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए।
अधिगम स्तर व छात्रों के अधिगम स्तर व शिक्षक की योग्यता के अनुरूप शिक्षण विधि के अनुरूप शिक्षण विधि का चयन किया जाना चाहिए। शिक्षण विधि नए अधिगम अनुभव और पूर्व अधिगम अवसरों पर भी आधारित होनी चाहिए कि जैसे कौन से अधिगम अनुभव जो नवीन है जिन्हें शिक्षण के क्षेत्र में अपनाया जाना अपेक्षित है और कौन से प्राचीन अधिगम अवसर हैं जिन्हें भी वर्तमान समय में शिक्षण के दौरान अपनाया जाना अपेक्षित है। तो इस तरह से नए अधिगम अनुभव और पूर्व अधिगम अवसर है, इन दोनों पर भी शिक्षण विधि को आधारित होना चाहिए। शिक्षण विधि पूर्व अधिगम अवसर नवीन अधिगम अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए।